Hello everyone and welcome to this video. Okay, let us continue our discussion. हम quadratic equations को study कर रहे थे और last time हमने कुछ questions को देखा था जिनमें हमने equation के roots की nature वगैरह को discuss किया था. आज हम जो topic करने जा रहे हैं वो बहुत ही interesting है कि हम quadratic equations पे word problems को solve करेंगे. अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो equation given होती थी और हम उसको सॉल्व करते थे. अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को बनाएंगे, वी विल मेक द इक्वेशन, डिज़ाइन करेंगे उसको. कैसे करते हैं इक्वेशन को डिज़ाइन? बहुत सिंपल है. इसमें आपने क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उसको समझना है, उसको पढ़ना है और उसको फिर सॉल्व करना है. एग्जांपल की मदद से देखते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ वन लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर एंड टू लेस देन थ्री टाइम्स द नंबर इज 14. फाइंड द नंबर. ऐसे प्रॉब्लम्स को, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन होता है, जो वे है, वो क्या है कि आपने जो चीज़ फाइंड करनी है ना उसको आप सपोज कर लें. मतलब जो आपने फाइंड करना है उसको सपोज कर लें और उसको प्रोलॉन्ग करते जाएं, आंसर अपने आप बन जाएगा. जैसे हमने यहाँ पे फाइंड करना है नंबर को, तो हम क्या कहते हैं, लेट हमारा जो नंबर है, हम क्या कहते हैं, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, कि हमारा जो नंबर है वो एक्स है. अब वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ वन लेस देन अ सर्टेन नंबर, तो वन लेस देन अ सर्टेन नंबर क्या हो गया, उसमें से एक माइनस कर दिया. एंड प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कर लिया. किसके साथ प्रोडक्ट है, टू लेस देन थ्री टाइम्स द नंबर, टू लेस देन थ्री टाइम्स, सो थ्री टाइम्स किया और टू लेस देन किया, तो ये किसके इक्वल आ गया, 14 के इक्वल आ गया. ये हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली. और इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने जो फाइंड करना है उसको सपोज कर लें, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको सपोज कर लें. आगे सिंपल है, इक्वेशन बन गई, मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन गया 3x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 14. अब ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0. हम 14 को इस साइड पर ले आए तो ये हो गया माइनस 12, राइट. अब इसको मिड टर्म ब्रेक करें तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 3 और दूसरा आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस 4/3. तो ये नेगेटिव नंबर है, ये काउंट नहीं होगा. आपका आंसर क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू 3. आप इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई भी कर सकते हैं. ओके, जैसे 3 माइनस 1 2 हो गया और 3 3 इज़ 9, 9 माइनस 2 इज 7, सो 2 7 इज़ 14. आपका आंसर क्या है, करेक्ट है. और प्रॉब्लम्स देखते हैं किस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं. ओके, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर. हमने नंबर फाइंड करना है तो हम क्या कहते हैं, लेट नंबर जो हमने फाइंड करना है वो क्या है, कोई भी वेरिएबल ले लें, एक्स. ओके, अगर नंबर एक्स है तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, कंडीशन क्या कहती है कि सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, किसके इक्वल है, 380 के. तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 इक्वल टू 0. अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव 380 आए और मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव 380 आए और प्लस माइनस करें तो एक्स आए, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 19x माइनस 380 इक्वल टू 0. कॉमन ले लें, ये हो गया एक्स प्लस 20 माइनस 19 कॉमन लें तो ये हो गया एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0. तो नंबर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 19 इक्वल टू 0. एक आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव 20 और एक आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 19. नेगेटिव वाले को एलिमिनेट कर दें क्योंकि हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो बेशक इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. आपका जो है वो 19 है, आप चेक कर लें, 19 का जो स्क्वायर है वो होता है 361. 361 में जब 19 ऐड किया तो हमारे पास जो है वो हमारा आंसर वेरीफाई होता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है. तो प्रॉब्लम को, इसमें जो मेन थिंग है इन वर्ड प्रॉब्लम्स में, वो होता है ये इक्वेशन को ड्राइव करना. और उसको ड्राइव करने की सबसे जो बड़ी की है वो ये है कि जो आपने फाइंड करना है वो आप सपोज कर लें कि वो एक्स है और उसकी मदद से कंटिन्यू करें क्वेश्चन को. और क्वेश्चंस देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं. अब कोशिश करेंगे कुछ और 10 के क्वेश्चन देखें जो हमारे पास एक्सरसाइज में मौजूद हैं.
अब वो कह रहा है कि सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26.5, फाइंड द नंबर. तो जो फोर्थ वाला है, नंबर फाइंड करना है, तो लेट नंबर इक्वल टू एक्स. अब नंबर अगर एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उसका जो रेसिप्रोकल है वो 1/x हो जाएगा. अब उसका सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड रेसिप्रोकल, तो इनका जो सम है वो क्या है? x प्लस 1/x इज 26/5. अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लें. ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 26/5. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 26x. ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 5 इक्वल टू 0. अब आप इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक लगा के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन बनाएंगे, अ नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, फाइंड द नंबर. एक नंबर है, नंबर हमने फाइंड करना है, तो नंबर हम सपोज कर लेते हैं क्या है, एक्स है. अब वो कह रहा है कि अपने स्क्वायर रूट से वो 56, अ नंबर एक्सीड्स स्क्वायर रूट बाय 56, तो अपने स्क्वायर रूट से वो 56 ज़्यादा है. तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया, तो 56 ज़्यादा है तो साथ में 56 आ गया, राइट. ये इसकी इक्वेशन बन गई, डिपेंड करता है सिचुएशन की. अब आगे x माइनस 56 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x हो गया. अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें. स्क्वायर इसलिए ले लें ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए. तो इक्वेशन बन गई, ए स्क्वायर 56 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 5136 माइनस 112x इक्वल्स टू x. इसको अरेंज कर लें, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मिड टर्म ब्रेक के थ्रू या किसी भी मेथड के थ्रू. एक्स स्क्वायर जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 113x प्लस 5136 इक्वल्स टू 0. ओके, तो आपके पास जो दो नंबर आ जाएंगे वो क्या हैं, x इक्वल्स टू 64 और x इक्वल्स टू 49. मैंने डायरेक्ट कर लिए क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा ये चीज़ कर चुके हैं. अब इन दोनों में आप दोनों को बार बार चेक कर लें, वेरीफाई करें, तो जिसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर, आगे चलते हैं. ओके, एक और वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास. अ फार्मर बॉट सम शीप्स फॉर ₹9,000. इफ़ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच, ही वुड हैव गॉट 3 शीप्स मोर फॉर द सेम मनी. हाउ मेनी शीप्स डिड ही बाय व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म. ओके, अब वो कह रहा है कि हम एक फार्मर है, उसने ₹9,000 में कुछ शीप्स खरीदी हैं, और वो कहता है कि अगर वो ₹100 पर शीप लेस देता तो वो 3 एक्स्ट्रा शीप्स खरीद सकता था. अब दोनों केसेस में रेट यूनिफॉर्म रख के आप इसका बताएं कि उसने कितनी शीप्स खरीदी हैं. ओके, हम क्या कहते हैं, हम कह देते हैं कि उसने एक्स शीप्स खरीदी हैं. कितनी शीप्स उसने खरीदी हैं, लेट शीप्स इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि यही हमने फाइंड करना है. अब हमें ये पता है कि इसकी जो प्राइस है कितनी है, उसने खरीदी हैं 9,000 में, तो हमने कह दिया एक्स शीप्स की प्राइस जो है वो 9,000 है. अगर एफ शीप्स की प्राइस 9,000 है तो एक शीप की प्राइस कितनी होगी, 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स कर लेंगे, क्योंकि एक्स शीप्स 9,000 में आ रही हैं, तो एक शीप कितने में आएगी, इधर ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक शीप की प्राइस आ गई 9,000 ओवर एक्स. अब वो क्या कहता है कि अगर एक शीप पे वो ₹100 कम देता तो वो 3 शीप्स ज़्यादा खरीद सकता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक शीप की प्राइस जो थी वो 9,000 और एक्स थी, इसमें 100 माइनस कर दें, अगर ये 100 माइनस कर देते तो उसको क्या मिल जाता, 3 शीप्स ज़्यादा मिल जाती, 3 शीप्स ज़्यादा मिल जाती. ये हमारी कंडीशन है कि अगर वो एक शीप की प्राइस पे ₹100 कम देता तो उसकी जो शीप्स की तादाद है वो कितनी हो जाती, 3 ज़्यादा हो जाती उसी प्राइस पे, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्राइस. तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये आ गई.
अब आगे सिंप्लीफिकेशन है, आप जितना इसको सिंप्लीफाई कर लें आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, इसको एलसीएम लिया, ये हो गया 9000 माइनस 100x एलसीएम की मदद से, और ये हो गया 9000 ओवर एक्स प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ हुआ, तो ये हो गया 9000 माइनस 100x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 9000x। अब मल्टीप्लाई कर लें, 9000x प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा 27000 माइनस 100x माइनस 300x इक्वल्स टू 9000x, राइट। 100x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 100x स्क्वायर माइनस 300x। अब जो सेम टर्म्स हैं वो देखें, कुछ अरेंज करके इनको देखते हैं कि हम कुछ फाइंड कर सकते हैं। ये भी 9000x है, ये भी 9000x है। जब ये इक्वालिटी के सेट पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो इस स्टेप को इधर ही कर लेते हैं, ये हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 9000 हो जाएगा और यहाँ पे ज़ीरो हो गया, हमने इसको इस साइड पे मूव कर ली, तो ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस 100x स्क्वायर माइनस 300x प्लस 27000 इक्वल टू ज़ीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉमन है, 100 कॉमन है, तो नेगेटिव 100 को कॉमन ले लें, कॉमन लिया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 270 इक्वल टू ज़ीरो प्लस 3x, क्योंकि नेगेटिव कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया। अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 270 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस 3 आए, तो वो हमारे पास जो दो पेयर बनते हैं वो बनते हैं 18 और 15, प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270 इक्वल टू ज़ीरो। पेयरिंग कर लें, x कॉमन लिया, x प्लस 18 माइनस 15 कॉमन लिया, तो ये हो गया x प्लस 18 इक्वल टू ज़ीरो, तो x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 15 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स आ गया नेगेटिव 18, एक्स आ गया 15। अब शीप्स नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसने कितनी शीप्स खरीदी हैं, 15 शीप्स उसने जो है ना वो खरीदी, ये आपका आंसर आ गया। और किस तरह का वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट को स्टडी करना है, आगे तो सिंप्लीफिकेशन है, मेन चीज़ होती है आपकी स्टेटमेंट, ये जो आपको कंडीशन को समझ के स्टेटमेंट बनानी होती है, ये होती है मेन चीज़ क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें आपकी एनालिसिस की जो पावर है उसको यूज़ करके आप इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन को समझें उसके बाद उसको सॉल्व करें। जैसे देखें, अ साइक्लिस्ट ट्रैवल 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, समझने के लिए क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है, और देखें कि फाइंड क्या करना है, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको सपोज करें, ओके। अ साइक्लिस्ट ट्रैवल 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, हैड ही ट्रैवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर टू परफॉर्म द जर्नी, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर्स। अब आपने इसमें जो है ना वो बेसिकली टाइम फाइंड करना, ठीक है, टाइम आपने फाइंड करना है, किलोमीटर उसने आपको दे दिए, और वो कहता है कि अगर वो 2 किलोमीटर कम अपनी स्पीड रखता, जो उसकी असल स्पीड है, ठीक है, तो वो उसको जो है वो कितना टाइम और लगता, 2 घंटे मज़ीद उसको लग जाते हैं। अगर आप देखें तो लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कुछ कुछ सिमिलर हैं, ओके। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि स्पीड उसकी जो है वो एक्स है, लेट स्पीड इज एक्स, और जो टाइम था वो टी है, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमें पता है कि उसने 48 किलोमीटर तय किए हैं, तो हम क्या लेते हैं, 48 ओवर टी, ये हमारे पास उसकी स्पीड है। अब इसके अंदर हमें टी नहीं पता, इसलिए हम स्पीड नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें एक चीज़ उसने और दे दी, उसने कहा कि हैड ही ट्रैवल 2 किलोमीटर स्लोअर, इसका मतलब क्या है, स्पीड उसकी 2 किलोमीटर होगी कम। अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर कम हो जाती है, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन उसका जो टाइम है वो बढ़ जाता है, कितना, टी प्लस 2। ये मैंने इस स्टेटमेंट से निकाला, ट्रैवल 2 किलोमीटर आवर स्लोअर, इट वुड टेकन 2 आवर्स एक्स्ट्रा, तो 2 किलोमीटर स्पीड कम की तो टाइम 2 घंटे बढ़ गया, राइट।
ऐसे ही है। अब क्या करें, हमें टाइम चाहिए, हमें तो कैलकुलेट टाइम करना है ना क्वेश्चन में, तो एक्स की हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, एक्स को इस वैल्यू से हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, इसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 48/t -2 इक्वल्स टू 48/t +2। सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन गई। अब सिंप्लीफाई कर लें, टी एलसीएम लिया, 48 -2t इक्वल्स टू 48/t +2। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो गया 48 -2t इक्वल टू इंटू टी +2 इक्वल्स टू 48t। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया 48t मल्टीप्लाई हुआ +2 इंटू 48 इज 96 -2t स्क्वायर -4t, और जब ये 48t इस साइड पे आया तो -48t हो गया और ये हो गया 0। ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बच गया, -2t स्क्वायर -4t +96 इक्वल्स टू 0। -2 कॉमन ले लें आप, टी स्क्वायर +2t, और ये हो जाएगा आपके पास -48 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा टी इक्वल टू 6, टी इक्वल टू नेगेटिव है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब उसने 6 घंटे के अंदर ये डिस्टेंस कवर किया। क्लियर। अब हमें उसने स्पीड नहीं कही हुई थी, अगर वो स्पीड भी कहता तो हम क्या करते, इसको 48 को 6 से डिवाइड कर देते, तो 6 8 48, तो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने साइकिल चला रहा था। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेन थिंग जो इसके अंदर होती है वो यही होती है कि आपने इसको समझना है कि वो क्या क्या रहा है। ओके, और देखते हैं क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इफ अ स्ट्रिप ऑफ 0.5 सेंटीमीटर वाइड बी कट ऑल अराउंड द पीस ऑफ पेपर, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट वुड बी 500 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, ओरिजिनल डायमेंशन फाइंड करनी है, इसका मतलब हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी जो विड्थ है वो एक्स है। अगर विड्थ एक्स है तो लेंथ क्या होगी, एक्स प्लस 5, क्योंकि उसने बता दिया कि वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अगर इसको ड्रॉ करें तो इवेंचुअली हो क्या रहा है, हमारे पास बेहतर होता है जब आपके पास इस तरह की कोई शेप आ जाए तो उसको ड्रॉ करके क्वेश्चन को कर लें, ड्राइंग में ज़रा क्वेश्चन समझ आ जाता है, आसान हो जाता है। एक हमारे पास रेक्टेंगल आ गया, हम कह देते हैं कि ये इसकी लेंथ होगी एक्स, ये इसकी विड्थ होगी एक्स प्लस 5। चलें ये डायमेंशन आप, ये इसकी बेसिकली लेंथ ही है, लेंथ एक्स प्लस 5 कर लें, ये एक्स प्लस 5 और विड्थ जो है वो एक्स कर लें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मिक्स हो जाता है लेंथ विड्थ। ओके, अब वो कहता है कि 0.5 सेंटीमीटर वाइड एक स्ट्रिप ऑल अराउंड द पेपर आप काट लें। ठीक है, हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रिप हम काट लेते हैं 0.5 की, ये हमने स्ट्रिप काट ली और हमने कह दिया कि ये 0.5 है। ठीक है जी, ये हमने स्ट्रिप काट ली, ये हमारे पास 0.5 है, ये भी 0.5 है, यहाँ से भी 0.5 है और यहाँ से भी 0.5 है, ये हमने जो एरिया काटा ये वाला है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था ओवरऑल काट लें। अब बचा क्या, अगर ये देखा जाए तो जो उसने कहा है नेक्स्ट बात, वो कह रहा है द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट वुड बी 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो अंदर वाला हमारे पास रेक्टेंगल बना है इसका एरिया कितना है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें अब इसकी ओरिजिनल लेंथ विड्थ चाहिए। अगर आप देखें तो ये अगर x प्लस 5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x प्लस 5 है, तो यहाँ से भी 0.5 कट गया और यहाँ से भी 0.5 कट गया, तो ये कितना बच गया, ये बच गया x प्लस 4, ये बच गया x प्लस 4। इसी तरह ये पूरा x है, यहाँ से 0.5 कट गया, यहाँ से भी 0.5 कट गया, तो ये कितना बचा, x माइनस वन। अब इसका एरिया फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया लेंथ इन टू विड्थ, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 500, ये लेंथ और ये विड्थ, इसका एरिया कितना हो गया 500, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x - x - 4 इक्वल्स टू 500। हमने किया क्या है, अगर मैं आपको फिर बताऊँ, अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ थोड़ा सा दोबारा से समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये था हमारे पास लेंथ, लेट सपोज ये लेंथ है और ये विड्थ है,
ओके, इसको प्लस फाइव ले लें और उसको एक्स ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक्स है। ओके, अब ये हमने पॉइंट फाइव काट दिया, ये हमारे पास पॉइंट फाइव है, यूनिफॉर्म हमने काट दिया। तो जब ये यहाँ से भी पॉइंट फाइव गया और यहाँ से भी पॉइंट फाइव गया तो ये क्या बच गया, एक्स प्लस फोर। इसी तरह जब ये वाला पॉइंट फाइव गया और ये वाला पॉइंट फाइव गया तो ये टोटल तो एक्स था, तो ये कितना हो गया, एक्स माइनस वन। इन दोनों का प्रोडक्ट एरिया वो कितना है, 500 स्क्वायर, ये हमने किए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 504 इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब आगे आपने कोई भी टेक्निक लगा लें तो इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 21 और माइनस 24। एक्स जो आ रहा है वो 21 आ जाएगा और माइनस 24, नेगेटिव वैल्यू को एलिमिनेट कर दें तो विड्थ आपकी 21 आ गई, लेंथ आपकी 26 आ गई, ये ओरिजिनल डायमेंशंस जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। आगे देखते हैं और हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 14, इफ द डिजिट्स आर द इंटरचेंज्ड द रिजल्टिंग नंबर विल एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 45, फाइंड द नंबर। लेट, हम क्या कह देते हैं, जो नंबर है वो है हमारे पास एक्स वाई, ये हमारा नंबर है, सॉरी इट कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 14। तो जो नंबर है वो एक्स वाई, उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 14 है उसका प्रोडक्ट, लाइक उसके टू डिजिट्स का प्रोडक्ट। लाइक हम नंबर को सपोज नहीं कर रहे, हम डिजिट्स को सपोज करते हैं। लेट्स, जो डिजिट्स हैं वो एक एक्स है और एक वाई है, दो डिजिट्स हैं, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना हो गया, 14 हो गया। तो हमें पता चल गया कि एक्स वाई इक्वल्स टू 14। आगे आ जाएं, इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड द रिजल्टिंग नंबर विल एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 45। तो नंबर है क्या, नंबर को लिखने का क्या तरीका होता है, देखिए अगर आप गौर से, ये इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप लिख देंगे ना एक्स प्लस वाई ये मेरा नंबर है, डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो गलत बात है। क्यों, क्योंकि डिजिट्स की एक पोजीशन होती है, ये जो वाई वाला यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये यूनिट डिजिट है और जो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये टेंथ डिजिट है, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल लिखते हैं 22, ओके, तो ये 2+2 नहीं होता, अगर आप इसको 2+2 लिखेंगे तो वो तो 4 होता है, लाइक हमारा डिजिट 22 है, अगर मैं एक्स प्लस वाई लिखता हूँ तो वो तो 2+2 4 हो जाएगा। इवेंचुअली जो 2 है वो यूनिट प्लेस पे है, लेकिन ये वाला जो 2 है ये टेंथ प्लेस पे है, तो इसका होता है 20+2 22। लेट्स सपोज अगर 35 है तो ये 3+5 करेंगे तो ये तो 8 होता है, अगर आप कहेंगे x प्लस वाई है सिर्फ तो गलत बात है, ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट प्लेस पे है, ये टेंथ प्लेस पे है, तो जब आप इसको एडिशन के सम में लिखेंगे तो ये होगा 10x+y, ये हमारा नंबर होगा 10x+y, क्योंकि अगर मैं इसको 3+5 लिखूं तो वो 8 है, लेकिन ये 3 जो है वो टेंथ प्लेस पे है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा नंबर जो है वो 10x+y है। लेकिन कंडीशन में वो क्या कह रहा है, अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल नंबर से 45 ज़्यादा हो जाएगा, राइट। इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर विल एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 45। तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो है वो 10x+y है, ओके, तो अब हमारा जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं, डिजिट्स को इंटरचेंज कर लें तो वो हो जाएगा क्या, 10y+x, ये इंटरचेंज हो गया नंबर। अब देखें, अब डिजिट्स आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर विल एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 45। तो जो नया नंबर है वो ओरिजिनल से 45 ज़्यादा हो गया, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 10y+x इज इक्वल्स टू 10x+y - 45। इस क्वेश्चन में 45 किया क्या मैंने, ये मेरा इंटरचेंज डिजिट्स हैं 10y+x, उसने कहा है कि डिजिट्स को जब इंटरचेंज करते हैं तो जो नया नंबर रिजल्टिंग नंबर बनता है वो ओरिजिनल नंबर से 45 ज़्यादा होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लिख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं इसमें से 45, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन 10y+x - 10x - y + 45 = 0, ये इक्वेशन बन गई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 9y
माइनस 9x प्लस 45 इक्वल टू ज़ीरो, एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा कॉमन लेके भी कर सकते हैं, जैसे 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया, y माइनस x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये कैसे बनी, ऐसे अब 9 ख़त्म हो गया तो y माइनस x इक्वल टू नेगेटिव 5 हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो गया। अब एक इक्वेशन ये और एक मुझे ये पता है कि उसका जो प्रोडक्ट है एक्स वाई इक्वल टू 14 है, एक्स वाई इक्वल टू 14 है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू ले लें तो वो क्या हो जाएगी, 14 ओवर x। ओके, तो रिप्लेस कर दें, x माइनस 14 ओवर x इक्वल टू 5, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 5x, और इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप इसको कोई भी टर्म लगा के सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 7 और माइनस 2, एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो सेक्स आ गया, नेगेटिव नंबर एलिमिनेट हो गया, एक्स आ गया 7 और दो, हमें पता है कि एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो 14 है, तो एक्स वाई इक्वल टू 14, सो 7 वाई इक्वल टू 14 और वाई हमारे पास आ गया 2। तो हमारा जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई है, तो हमारा जो नंबर है वो 10 इंटू 7 प्लस 2, सो नंबर इज 72। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कुछ इस तरह। मेन चीज़ है आपका इक्वेशन को समझ के एनालाइज करना, उस पर अगर आपका एक मिनट लग जाए तो कोई इशू नहीं है, उसको ध्यान से करना है। ये यहाँ पे गलती नहीं करनी है, इक्वेशन आपकी सही बननी चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ओके, इज 16080 स्क्वायर मीटर। इफ इट्स डायगनल इज 58 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, हमें इसकी इसी तरह लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो हम कह देते हैं, लेट जो लेंथ है वो x है और ब्रेथ है वो y है। ओके, तो सपोज कर लें ये हमारा रेक्टेंगल है। एक मिनट, थोड़ा सा गलत ही हो गया। हाँ, ये हमारा रेक्टेंगल है, ओके, ये लेंथ है और ये विड्थ है। वो पिछले क्वेश्चन में भी मेरा ख्याल है मैंने लेंथ और विड्थ को ऑपोजिट कर दिया था। इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन था डायग्राम वाला, अगर मिल जाए, ये बेसिकली लेंथ होती है और ये विड्थ होती है, तो मैंने ऑपोजिट कर दिया, लेकिन क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता इससे, कोई इतना इशू नहीं है, तो देख लीजिएगा। तो अब उसने हमें बता दिया है कि इसका रेक्टेंगल एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि एरिया है वो कितना है, 1680, ओके। और उसने हमें एक और चीज़ दे दी है, उसने हमें एक डायगनल दे दिया है, ये डायगनल दे दिया उसने, और उसने क्या दिया है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 58 मीटर है। इस डायगनल की लेंथ जो है वो 58 मीटर है, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन हमें यहाँ से ही मिल गई। अब इस डायगनल की मदद से क्या बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3364। अब हमारे पास बहुत सारे मैथड्स हैं इसको सिंप्लीफाई करने के। मैथड वन क्या है कि आप इसको सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बना लें, इसमें एक्स या वाई की वैल्यू प्लेस करके निकाल के इसमें डाल लें, या क्या करें, एक और तकनीक आप कर सकते हैं इसको सिंपल करने के लिए, क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया 2xy इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें। इसका बेनिफिट क्या, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये 2xy इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3360। अब इनको सबट्रैक्ट कर लें, सबट्रैक्ट करने से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन रही है, और सिंपल वाली बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये बन गया आपका, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसी रूल से सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, आप सिंप्लीफिकेशन किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास x माइनस वाई क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा प्लस माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू नेगेटिव 2, दो केसेस आ गए। अब आपको पता है कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल था, 1680 की, 1680 के, और इधर भी एक्स वाई का जो प्रोडक्ट था वो किसकी इक्वल है, 1680 के। तो क्या करें, इधर आप इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लें, यहाँ पे एक्स माइनस वाई 2 है तो एक वैल्यू रिप्लेस कर लें, चाहे वाई की कर लें चाहे एक्स की कर लें। अगर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगी वाई प्लस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे आपके पास हो जाएगी वाई माइनस 2। इसमें रिप्लेस कर दें, ये हो जाएगी वाई माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 1680, और ये हो जाएगा वाई माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 1680। इधर मैंने क्या कर दिया, इसको दोबारा लिख लेते हैं एक मिनट। यहाँ पे y प्लस 2 था तो यहाँ पे y प्लस 2 पुट करेंगे, और यहाँ पे y माइनस 2 है तो y माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 1680, यूँ करेंगे। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1680 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1680 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा y आपका 40, यह आ जाएगा माइनस 42, और यहाँ आ गया आपका y 42 या माइनस 40। तो आपके पास लेंथ और विड्थ का पेयर क्या आ जाएगा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास y 40 आ गया, और इस केस में आपके पास आ गया y 42, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें x फाइंड कर लें, तो x क्या हो जाएगा 42, और इधर देखें x क्या हो जाएगा 40। तो eventually लेंथ और विड्थ का जो पेयर है वो क्या आ गया, 40 और 42, ये आपका पेयर आ जाएगा, ओके। ये सिंप्लीफिकेशन के मुख्तलिफ मेथड हैं, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आप यही करें, आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस के जो हमने मेथड पढ़े हैं कोई भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, इसमें से एक ही वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके वेरिएबल डायरेक्ट निकाल लें, कोई इशू नहीं, आपकी मर्जी, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक और ये भी देख लेते हैं। टू इन्वेस्ट अ जॉब ए एंड बी टेक्स 4 डेज वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब, सॉरी, ए अलोन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज बी अलोन टू फिनिश द सेम जॉब, हाउ लॉन्ग वुड ईच ऑफ वन टू टेक द जॉब इंडिविजुअली। लाइक अगर वो अलोन अकेले काम करते हैं तो फिर किस तरह करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमारे पास अब क्या ऑप्शन है, देखते हैं। अगर वो कह रहा है कि ए अकेला काम करे तो वो बी से डबल टाइम लेता है, हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि बी जो है वो इस काम को एक्स डेज में फिनिश करता है, एक्स डेज में। अगर बी एक्स डेज में करेगा तो ए जो है वो फिनिश करेगा डबल डेज में, तो हमने कहा जी वो 2x डेज में कर लेता है। अगर बी जो है वो इसमें करेगा तो वो 2x डेज में करेगा, अलोन में अकेला अकेले काम करे, तो ये जो है एक्स डेज में काम कर रहा है बी, तो टोटल काम वो एक्स डेज में कर रहा है, टोटल काम जो है वो एक्स डेज में कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, अगर वो एक्स डेज में टोटल काम कर रहा है तो एक दिन में वो काम करेगा 1/x। मतलब अगर हम उसके एक दिन का काम निकालना है कि बी ने एक दिन में कितना काम किया, बी ने एक दिन में काम किया एक्स डेज में उसने, तो एक दिन में उसने कितना काम करना है 1/x, कि हमने उसका एक दिन का हिसाब किया तो उसने जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 1/x। इसी तरह जब हम ए का कैलकुलेट करेंगे कि उसने एक दिन में क्या तीर मारा है तो हम कहेंगे वो हो जाएगा 1/2x, सही है। तो इसी तरह अगर हम दोनों को ऐड करें कि उसका एक दिन का दोनों का काम अगर हम इकट्ठा करें तो वो टोटल का 1/4 होता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर वो इकट्ठे काम करते हैं तो चार दिन में काम कर रहे हैं, अगर वो इकट्ठे काम करते हैं तो चार दिन में काम करते हैं, हमने कहा कि वो x डेज में काम फन कर रहा है और वो 2x डेज में काम ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में उसका अगर हम कैलकुलेशन करें कि उसने कितना काम किया तो हम कह सकते हैं कि उसका टोटल काम निकालो, उसको जितने दिन उसने लिए हैं उस पर डिवाइड कर दो, तो वो 1/x आ गया,
कि उसने एक दिन में काम किया 1/x। इसी तरह बी का कर लें तो वो भी हो जाएगा, ए का कर लें तो भी हो जाएगा 1/2x। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 1/x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, एलसीएम हो गया 2x, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 इक्वल टू 1/4, तो ये हो जाएगा 3/2x इक्वल टू 1/4, 12 इक्वल्स टू 2x और x आ गया 6। मतलब कि वो 6 दिन में करेगा और जो a है वो 12 दिन में करेगा अगर वो अकेले अकेले काम करते हैं तो। ओके आगे चलते हैं।